टीचर्स ने इस विषय में मुझे बहुत सहयोग दिए। क्या उद्देश्य है, क्या? मैं आगे चल के IAS बनकर जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें परिवर्तन लाना चाहती हूँ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पॉलिसी प्रपोजल्स ऑफ इंडिया के विशेषांक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने किताब के संपादक अनुभव श्रीवास्तव को भारतीय शासन और नीतियों पर आधारित जर्नल निकालने के लिए बधाई दी। इस किताब में देश के वरिष्ठ नौकरशाहों ने अलग अलग लोगों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस किताब में बेसिकली हम लोग पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन सब्जेक्ट्स पर जो है इंडिया के टॉप मोस्ट जो पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके आर्टिकल्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। हमारे इस हमने एक अभी रिसेंटली स्पेशल इशू निकाला है, इसमें कई सारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरीज और काफ़ी सारे बड़े एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स ने अपने अपने आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं। पॉलिसी प्रपोजल्स ऑफ इंडिया के विशेषांक की प्रस्तावना राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने लिखी है। इस विषय पर उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। पॉलिसी प्रपोजल्स फॉर इंडिया किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। हमारे साथ राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी हैं, जिन्होंने इस किताब का फॉरवर्ड भी लिखा है। हम इससे बात करते हैं, क्या खास बातें हैं इस किताब में? सर, जो किताब उपराष्ट्रपति महोदय ने अभी विमोचन किया है, चूंकि आप एक वरिष्ठ सिविल सेवक भी रहे हैं, किन खास बातों का उल्लेख आपने किया है? देखिए, ये जो किताब है, एक यंग हमारे इंटरप्रेन्योर जर्नलिस्ट मिस्टर अनुभव श्रीवास्तव ने ये एफर्ट किया हुआ है, और इस जो मैगजीन है उसका एक बहुत अच्छा थीम है, एंड इट सेज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट बट वी आर अगेंस्ट द स्टेटस को। आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ थीम दैट शुड परमिएट इनटू आवर ब्यूरोक्रेसी एंड इनटू आवर इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी वांट टू मेक चेंज एंड मेक चेंज फॉर गुड। सर, चूंकि अच्छी खासी तादाद में युवा नौकरशाहों का पदार्पण हो रहा है इस देश में, अच्छी खासी ज़्यादा हम लोग UPSC प्रिपरेशन करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो यूथ जो युवा ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए इस जर्नल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आवश्यक है, जैसा मैंने कहा कि जो युवा हमारा नौकरशाह है उसके में सिनिसिज्म नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है वो सोचते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, कभी सुधार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, और ये ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें लोगों ने उन्हीं परिस्थितियों में और कई बार बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिणाम दिया है, और ये लोगों को शो किया है, जनता से जुड़कर पॉलिटिशियन से सामंजस्य स्थापित किए हुए, नीचे की ब्यूरोक्रेसी को साथ में लेते हुए ऐसे रिजल्ट्स दिए हुए हैं जो कि एक माइलस्टोन की तरह है। तो हमारा यंगर जनरेशन से सबसे ज़्यादा जो मैं इस आर्टिकल इस जर्नल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि उनको अपना विश्वास अपनी सिस्टम में, अपनी कार्य क्षमता में और भविष्य में कुछ कर पाने की संभावनाओं में रखना चाहिए। अगर वो रखेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो महासचिव महोदय का संदेश साफ है कि इस जर्नल के माध्यम से जो युवा नौकरशाह हैं उनको अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास करके जो देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली है उसको आगे बढ़ाना होगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा TV, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा TV के साथ। नमस्कार।